स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल अगर आप मेरे जैसे मार्वल फैन हो तो ऑब्वियस बात है कि आयरन मैन भी आपका वन ऑफ द फेवरेट होगा कमऑन टोनी स्टार्क राइट अब आयरन मैन का जो फर्स्ट मूवी था उसमें एक अमेजिंग डिपिक्शन दिखाया है अबाउट द अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टोनी स्टार्क एक मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड वो अमेरिकन मिलिट्री को सप्लाई करते हैं वेपन्स अनजाने में उनकी कंपनी टेररिस्ट को भी सप्लाई करते थे uh, वे, वेपन्स के साथ बट इंटरेस्टिंग बात जो है कि uh, कहीं ना कहीं प्रॉफिट दोनों तरफ से टोनी स्टार्क की कंपनी में ही आता है ये एग्जैक्टली अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि अमेरिका नीड्स वार्स फॉर दी मिलिट्री इंडस्ट्री टू फंक्शन एंड सबसे बड़ा इंडस्ट्री अमेरिका में मिलट्री इंडस्ट्री है सो अमेरिका वॉन्ट्स कॉन्स्टेंट वॉर्स इन दर्ल्ड एंड एक कहावत है कि वार्स से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है एंड अमेरिका बिजनेस आइडियाज़ को तो छोड़ता नहीं है ऑबियस बात है इसी वजह से अमेरिका हैज़ बीन फंडिंग वॉर्स आफ्टर वॉर्स जब से अमेरिका हेजिमोन बना है चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें चाहे हम लिबिया की बात करें चाहे हम इराक की बात करें चाहे हम सीरिया की बात करें हर जगह पे अमेरिका हैज इंटरवेंड एंड अपना मिलिट्री इंडस्ट्री को पूरा फुल फ्लेज डिस्प्ले किया है टू द वर्ल्ड सेइंग दैट लुक वी आर द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड सो ये जो अमेरिका का एक स्टांस है दिस इज नॉट समथिंग न्यू बट वॉट इज न्यू इज जो आजकल दो वॉर्स चल रही हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस और इसराइल हमास वॉर ओपनली सबको पता है कि इसराइल और यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा है विथ वेपन्स एंड फाइनेंस बट रशिया और ईरान को भी सप्लाई कर रहा है विथ वेपन्स एंड हाल ही में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू ऐसे दो पेपर्स आए हैं जहां पे क्लियरली एविडेंट हुआ है कि यूएस इज यूजिंग शेल कंपनीज टू सप्लाई रशिया विथ माइक्रोचिप्स जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए इसेंशियल है कौन से मिसाइल्स जो रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन पे अटैक करने के लिए सो so, ये जो यूएस का डबल गेम है ये फायदा सिर्फ और सिर्फ यूएस को कर रहा है एंड नो वंडर कि दो साल होने को आया कोई भी सोल्यूशन नहीं सामने आया है इसराइल हमास वॉर चल ही जा रहा है कोई पीस टॉक सीज फायर टॉक्स सक्सेस ही नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस के लिए कोई भी पीस या सीज फायर इज गोइंग टू बी अ डेंट टू इट्स प्रॉफिट आज हम इस वीडियो में उन दो रिसर्च पेपर्स पे डिस्कस करेंगे और यह देखेंगे कि दोनों वॉर्स में किस तरीके से यूएस ये डबल गेम खेल रहा है किस तरीके से सेंक्शन के बावजूद रशिया और ईरान दोनों पे सेंशन सैंक्शन के बावजूद यूएस सप्लाई कर रहा है यह माइक्रोचिप्स सो दैट द वॉर कैन कंटिन्यू और हम इसके बाद यह भी देखेंगे कि डज यूएस क्रिएट वॉर्स इफ यस yes, क्या है यूएस का फायदा इसमें चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट सक्सेस इन फिल्म लास्ट बैच है अगर आप यूपीएससी फिल्म दे रहे हो इस साल दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी बैच इज स्टार्टिंग ऑन फर्स्ट ऑफ मार्च बट आज लास्ट डे है सेल का सो ट्वेंटी नाइन्थ फेब टूडे इज द लीप ईयर डे राइट टूडे इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सीज दिस अपॉर्ट यू नो एक अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है उसको सीज करिए आप क्या करना है आपको जाना है स्टडी आई क्यू के वेबसाइट पे वहां पे जाके फीचर्स देखना है अगर टाइम नहीं है क्योंकि यू नो देर इज अ लैक ऑफ टाइम ऑन दिस मैटर क्योंकि सेल खत्म होने वाला है तो मैं बता देती हूँ क्या क्या फीचर्स हैं रिविजन क्लासेज बाई बेस्ट फैकल्टीज सेकेंड यू हैव मेंटरशिप थर्ड हर कंसेप्ट के बाद आपके एम हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उतना बाउंसर क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे एंड लास्टली फुल लेंथ टेस्ट हैं एम सी क्यूज के सो वॉट इज गो हैपन जो आपका एग्जाम का पैटर्न है जो आपका एग्जाम एनजाइटी है इट इज गोइंग टू बेसिकली डील विद दैट जितना आप पेपर्स दोगे जितना आप एफिलिटीज दोगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है एंड ऑल ऑफ दिस इज इन वन कोर्स दैट इज एस आई पी विच गारंटी वॉट सक्सेस प्रिलिम्स इसीलिए आज को सीज करो आज को जाने मत दो कोड स्टडी आई क्यू वेबसाइट को सक्सेस इन प्रिलिम्स का जो लास्ट बैच है बाई नाउ एंड कोड क्या यूज करना है डी डब्ल्यू लाइव इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है जो कोर्स फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का है वो आपको थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन रुपीज में मिल जाएगा कोड क्या है डी डब्ल्यू लाइव इसके साथ यू विल गेट द बेस्ट बेस्ट डिस्काउंट दैट इज देयर एंड यू आर सेट फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स इसीलिए अभी पॉज करके फर्स्ट उसको करो उसके बाद आते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस को समझने के लिए ठीक है डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइज इट्स इट्स रियली एसेंशियल अगर आप इस बार के प्रीलिम्स दे रहे हो तो दिस इज रियली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू चलिए आते हैं अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस में सो रशिया यूक्रेन क्राइसिस टू ईयर्स आर ओवर थर्ड ईयर में एंटर कर चुका है एंड इन लास्ट टू ईयर्स रशिया ने अराउंड फाइव थाउजेंड मिसाइल्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट यूक्रेन जो मिसाइल का जो इंटेंसिटी था वो अक्टूबर 2022 से बढ़ता है एंड ये मिसाइल्स बेसिकली रशिया यूज़ करता है टू अटैक द एनर्जी सेक्टर ऑफ यूक्रेन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वॉर के होने से पहले रशिया के पास इतना स्टॉकपाइल नहीं था दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि रशिया जो मैन्युफैक्चर करता है मिसाइल्स या ड्रोन्स उनमें ऐसे कई पार्ट्स हैं जो रशिया बाहर से दूसरे कंट्री से लेके आता था जैसे कि आ, जो माइक्रोचिप्स हैं वो लार्जली यूएस से आते थे कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो स्विट्जरलैंड से आते थे कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो जर्मनी से आते थे साउथ कोरिया और चाइना से अब मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं सो इफ यू टेक अ लुक एट द रिसट रिसर्च जो के ए सी इंस्टीट्यूट की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया हुआ है उसमें क्लियरली बताया गया है कि अबाउट वन जीरो फाइव सेवन कॉम्पोनेंट्स हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं रशिया के जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली मिसाइल के लिए उसमें से यूएस का सबसे बड़ा एक डिपेंडेंसी था उनका टू बाई थिंग्स फ्रॉम यूएस टेक्नोलॉजी यूएस से ही आता था राइट right? सो so, अब वॉर शुरू होने के बाद यूएस ने सेंक्शंस लगा दी थी बट ये अगर नहीं आता तो रशिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग वो बंद हो जाता ऑब्वियस बात है बट बंद नहीं हुआ इसी चीज को ढूंढते ढूंढते कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं वो स्टडी करने लगे जो भी मिसाइल यूक्रेन या यूक्रेन में जो कीव कैपिटल uh, है वहां पे लैंड होता था वहां पे जाके वो मिसाइल्स के हर पार्ट्स को देखते थे एंड दे रियलाइज कि ऐसे चार कंपनीज हैं यूएस में जहां से ये माइक्रो चिप्स अभी भी आ रही हैं टू रशिया अब अकॉर्डिंग टू द स्टडी रशिया के जो सैटेलाइट्स हैं मिसाइल्स हैं टैंक्स हैं सभी में यूज होता है ये वेस्टर्न कॉम्पोनेंट दैट मीन्स पूरा का पूरा वॉर वॉज लिंच पिन ऑन दिस माइक्रोप्रोसेसर्स जो आ रहे हैं अगर यह सप्लाई बंद हो जाता तो रशिया किसी हालत में इतने दिन तक वॉर को नहीं खींच पाता अब कंपनीज है कौन सी एक है जो प्रोवाइड करती है जायलॉग कम्युनिकेशन कंट्रोलर टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स गाइडेंस सिस्टम्स प्रोवाइड करती है और इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मिसाइल्स एंड ड्रोन इन चार कंपनीज से सप्लाई कंटिन्यू रहा टू रशिया थ्रू आउट दीस लास्ट टू ईयर्स अब कैसे आ रहा था ये पहले तो डायरेक्ट ट्रेड था ऑब्वियस है कि आ जाता था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसी रिपोर्ट के अंडर पे के सी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट अंडर पे यह क्लियरली दिखने लगा कि ये जो कंपनीज हैं ये कई सारे शेल कंपनीज़ बनाए हैं शेल कंपनीज़ मतलब किसी और कंट्री में जहाँ पे वेस्टर्न सैंक्शंस नहीं अप्लाई हो रहे हैं जा, या जो नहीं मान रहे हैं उन कंट्रीज़ में उन्होंने एक कंपनी ओपन किया उस कंपनी का किसी कोई सीईओ कोई फर्जी का पेपर बनाया और उस कंपनी से बेसिकली ये चिप्स खरीदवाया कंटेनर्स गए उस थर्ड कंट्री में एंड उस थर्ड कंट्री से पहुंचा रशिया में ये कैसे पता चला रिपोर्ट आया यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 2023 जहां पे क्लियरली एविडेंट था कि ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं कॉकेशियस एरिया और सेंट्रल एशिया में जैसे कि किर्गिस्तान रशिया और किर्गिस्तान के बीच में रिलेशंस बहुत ट्रेड रिलेशंस इतना कभी था ही नहीं किर्गिस्तान इज़ अ लैंड लॉकड कंट्री छोटा सा कंट्री है एंड इवन दो देर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर गुड फ्रेंड फ्रेंडली कंट्रीज बट इतना ट्रेड था नहीं बट सडनली वॉर के बाद स्पाइक कर जाता है ट्रेड बिटवीन रशिया एंड किर्गिस्तान आर्मीनिया के साथ स्पाइक करता है जॉर्जिया के साथ स्पाइक करता है एंड ये जो सडन स्पाइक था जब ये कस्टम्स में जाके ये देखने लगे कि कहां से कौन सा कंपनी इतना खरीदारी कर रहा है लार्जली देखा गया कि सेमीकंडक्टर चिप्स वाज बीइंग सप्लाइड बाय दीज कंट्रीज टू रशिया और ये चिप्स कहां पे यूज हो रही हैं मिसाइल्स पे ड्रोन्स में टैंक्स में नाउ इट वाज क्लियरली एविडेंट कि अमेरिकन मिलिट्री जो ये कंपनीज इंटेल या वाइकॉर हैं, ये सप्लाई कर रही हैं टू रशिया क्वेश्चन यहां पे आता है कि क्या अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं पता था ये? कैसे नहीं पता था बिकॉज इफ सो मच ऑफ सेल इज हैपनिंग इफ सो मच ऑफ ट्रेड कंटिन्यूज कोई डिपी नहीं हुआ है इन कंट्रीज का सेल में सो so इट इज ऑबियस दैट दी गवर्नमेंट वॉज अवेयर ऑफ इट बट दे रिफ्यूज टू अक्नोलेज इट ओपनली सिर्फ यही कहा कि हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं हमें यूक्रेन को एड पैकेज देना है हमें रशिया को हराना है रशिया का जो ये अग्रेशन है ये यूरोप के लिए खराब है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खराब है एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुटिन को एक विलेन बना दिया बट इस विलेन को भी पावर में रखने के लिए इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए ये चलता रहा तो देखा जाए जो रिसेंटली इंटरव्यू में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एक्चुअली रशिया यूक्रेन के बीच में पीस पहले ही आ जाता यह यूएस का प्रॉब्लम है जो पीस नहीं चाहता है यूएस ही है जो कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को वेपन्स पे वेपन सप्लाई कर रहा है एंड इट इज प्रोलोंगिंग द वॉर इफ इस पीस इज नीडेड बोथ द लीडर्स कैन कम टूगेदर एंड पीस टॉक्स कैन बिगेन व्लादिमिर पुटिन ने यहां तक कहा है कि रशिया इज रेडी टू एक्सेप्ट और टू स्टार्ट निगोसिएशंस यहां तक अगर एन अग्रेसर कंट्री सो कॉल्ड अग्रेसर कंट्री कह रहा है इट इज वेरी क्लियर दैट रशिया हैज रिसीव और गॉट वट एवर इट वॉज सपोज टू अचीव बट जेलेंसकी की अगर हम बात करें दैट इज यूक्रेनियन लीडर की अगर हम बात करें ही वॉन्ट्स द वॉर टू कंटिन्यू बिकॉज ही फील्स दैट कि जब तक यूएस का पैसा आता रहे जब तक वेपन्स आता रहे तब तक दिस वॉर विल बी बेनिफिशियल एंड यूएस ऑब्वियस बात है दोनों तरफ से प्रॉफिट गेन कर रहा है एक ऑफिशियली गेन कर रहा है एक अंडर द टेबल गेन कर रहा है किसका फायदा यूएस का तो वलता रहे पीस स्टॉक्स क्या ही है राइट right? सो so, ये तो हो गया रशिया यूक्रेन की कहानी आते हैं अभी ईरान की तरफ हमें ऑलरेडी पता है कि इसराइल हमास के वॉर में हमास हजबुल्ला और हुतीस ये तीनों जो हैं वो ईरानियन प्रॉक्सीज हैं प्रॉक्सीज मतलब ईरान डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहा है इसराइल के साथ वो इन ग्रुप्स के साथ इसराइल के साथ फाइट कर रहा है और इन ग्रुप्स को वेपन्स और पैसा ईरान दे रहा है अब ईरान के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं ठीक है क्रूड ऑयल है ईरान के पास ईरान कैन ऑब्वियसली पे फॉर इट बट इनफेक्चर सप्लाई कर रहा है टू दीज प्रचन को अगेन इन्वेस्टिगेट करते हुए पहला रिपोर्ट आता है अबाउट आर्म्स एक्सपोर्ट टू ईरान जहां पर दिखाया गया कि 1979 सेवनटी रेवोल्यूशन से पहले सबसे ज्यादा आर्म्स जो सब एक्सपोर्ट करता था वो था यूएस सबसे ज्यादा आर्म्स देता था यूएस टू ईरान ठीक है शाह ऑफ ईरान वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएस कहा जाता था ही वॉज एक्चुअली अ पॉपिट ऑफ यूएस बट यूएस वाज़ वॉज सपोर्टिव ऑफ ईरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईरान रेवोल्यूशन के बाद यूएस आर्म्स बंद कर देता है कहां से आने लगता है दो पार्टीज एक है रशिया यूएसएसआर उसके बाद रशिया और दूसरा है चाइना 1990 के बाद यू विल सी दैट द रेड लाइट गेट्स हाइलाइटेड, रशिया से आता है राइट एंड रशिया में अभी हमने बात की है कि मेजोरिटी ऑफ द वेपन्स रिक्वायर वेस्टर्न पार्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज से चिप्स एज वेल एज अदर कॉम्पोनेंट्स की जरूरत पड़ती है तो रशिया क्या कर रहा है इस गेम में रशिया ईरान के थ्रू किर्गिस्तान के थ्रू कजाक के थ्रू जॉर्जिया के थ्रू ये माइक्रो चिप्स यूएस से मंगवा रहा है ये माइक्रो चिप्स रशिया में आ रहा है जहां पे रशिया इज मैन्युफैक्चरिंग मिसाइल्स ड्रोनस जिससे कि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है ऑन द अदर हैंड रशिया यही मिसाइल्स एंड ड्रोन सप्लाई करता है टू ईरान और ईरान इसको सप्लाई कर रहा है टू हमास हिजबुल्ला और उतिस जिससे कि ये इसराइल हमास वॉर कंटिन्यू हो जा रहा है अब यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा चाइना का क्या चाइना क्या सप्लाई नहीं कर रहा चाइना कर रहा है ऑब्वियसली बट चाइना के पास इतना वेपन्स नहीं है कि इट कैन सप्लाई सो मेनी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टू तो रशिया रशिया इज ऑलरेडी अ मैन्युफैक्चरिंग हब नाम्स मैन्युफैक्चरिंग हब तो ऑब्वियसली रशिया के पास सभी कुछ अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर दीज कॉम्पोनेट्स तो कहीं ना कहीं अगर चाइना ये सप्लाई कर दे रशिया कैन बी सेल्फ यू नो कैन प्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग इट बाई एंड कंटिन्यू द वॉर तो चाइना इज वेरी क्लियरली जस्ट एट द साइड लाइन आउटर कि भाई हम आपको सेमीकंडक्टर्स दे देते हैं जितना शेल कंपनी से आपको चाहिए हम यूएस से खरीदवा लेते हैं वी कैन यूज मल्टीपल पाथवेज टू गेट दी सेमी कंडक्टर्स टू यू एंड यू कंटिन्यू द वॉर बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट इज गोइंग टू यूएस नाउ द क्वेश्चन इज देन क्या यूएस वॉर्स चाहता है माई आंसर इज यस अगेन गोइंग बैक टू प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ अफगानिस्तान इराक लिबिया सीरिया इन चारों वॉर्स में आप अगर देखोगे देर वॉज फॉर एग्जाम्पल लिबिया गद्दाफी के समय की अगर हम बात करें यूएस इंटरवीनड ऑन ह्यूमेनिटेरियन रीजन्स इतने सारे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स हो रहे हैं वहां पर तो नहीं हुआ था बट यूएस इंटरवीन देर इराक सद्दाम हुसैन को हैंग कर दिया इन द नेम ऑफ व्हाट डब्ल्यू कहां मिला डब्ल्यू अफगानिस्तान वॉर चलता ही रहा तालिबान को हटाने के लिए अब कौन है पावर में तालिबान सो द पॉइंट इज यूएस हैज ऑलवेज क्रिएटेड वॉर्स और इस वॉर से फायदा हुआ है यूएस का ही एक तरफ ऑब्वियसली यू हैव कम अप एंड सेड कि वी आर द सुपर पावर वी आर द दजीमॉन बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर द वर्ल्ड वी आर फाइटिंग फॉर द रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर किसके रूल्स यूएस के रूल्स किसका वर्ल्ड ऑर्डर यूएस का वर्ल्ड ऑर्डर तो ये हमेशा से रहा है यूएस का बट प्रॉफिट की अगर हम बात करें इट इज़ द यूएस मिलिट्री इंडस्ट्री दैट हैज बिन प्रॉफिटिंग फ्रॉम वॉर्स इसी वजह से जितना ये वॉर्स प्रोलॉन्ग होता रहे जितना ये डबल uh, गेम खेल पाए उतना बेहतर है क्योंकि दी एंड ऑफ द डे द मनी कंटिन्यूज टू फ्लो टू यूएस आयरॉनिकल नहीं है कि कुछ ही महीने पहले यूएस में टेक्निकल रिसेशन होने की बात हो रही थी फंडिंग विंटर आने की बात हो रही थी कुछ भी नहीं हुआ राइट देर वॉज सम फॉरन रिजर्व को लेके देर वॉज सीनेट में कुछ डिस्कशंस हुई एंड दैट इज इट नाउ यूएस इज अगेन बैक टू इट्स सुपर पावर स्टेटसम स्टेटस एंड वेड डिट दैट मनी कम फ्रॉम टेक अ गेस्ट चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूं आई होप यू एंजॉय टूडे इस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल